तो हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो गाइस बताओ मुझे, ये लोकेशन देख के आप क्या क्या याद आ रहा है? मतलब आपको कुछ याद आ रहा है इस लोकेशन को देख के? ये लोकेशन वही है गाइस जहाँ पे हमने वॉल्वो कंपनी की ट्रैवल थी, जो कि गवर्नमेंट की थी, अपनी गवर्नमेंट ट्रैवल थी, एसटी मामडर की बस थी, जो यहीं पर अपनी एक्सीडेंट हुई थी। यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पीड के आने को जैसे पूरा ये जो टर्निंग मोड का काट नहीं पाई थी, पूरा नीचे चली गई थी। मतलब एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ था कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आया था वो बस के ऊपर। अगर वो वीडियो आपने देखा नहीं होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आपने जाके देख लेना। पूरी की पूरी बस की धज्जियाँ उड़ चुकी थी गाइस, पूरी बस पूरी ख़त्म हो चुकी थी। मतलब उसमें कुछ बचा ही नहीं था बस के लिए कि चला पाए। आप वो बस को हमने गैरेज में पहुँचा दिया है, तो फिलहाल अभी हमने नई बस लाई है। तो ये देखो, ये अपनी बस है, इसको हम चलाने में लाया, तो हम दिखा भी देते आपको। ये बस है कौन सी, ये देखो गाइस, ये है सिंगम, देख सकते हैं आप। ये भी वोल्वो कंपनी की बस है गाइस, जो कि सिंगम है, रॉकी भाई की बस है ये। इसके ऊपर देखो, ग्लास के ऊपर लिखा भी है रॉकी भाई की बस है गाइस, सिंगम हॉलीडे। जी हाँ, ये देखो व्हाइट कलर में काफ़ी शानदार लुक दे रहा है इसको। तो इसको हम चलाने वाले इसी रूट के ऊपर, और वहीं से स्टार्टिंग करने वाले जहाँ पे अपनी बस के एक्सीडेंट हुआ, तो वहीं से हमने वहीं पर लाने को लाई हमने, और वहीं से हम स्टार्ट करने वाले। क्योंकि जैसे हमने मैच को चालू किया, जैसे हमने गेम को स्टार्ट किया, वैसे ही हम टेलीपोर्ट यहीं पर हुए जहाँ पे हमारी बस का एक्सीडेंट हुआ था। तो कोई बात नहीं, हम यहीं से स्टार्ट करते गेम को। इसका कैबिन वगैरह भी दिखाऊंगा आपको, इसका कैबिन भी दिखाते हैं आपको कैसा, किस तरह का कैबिन है। फिलहाल तो अभी बस को स्टार्ट करते हैं, प्लस स्टार्टिंग देखते हो। अपने पीछे कोई अभी ज़्यादा गाड़ियों की लाइन लगी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा देर रुकेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक जमा हो जाएगा, तो इसलिए हम ज़्यादा देर रुकते नहीं हैं यहाँ पे। जल्दी जल्दी चालू करते बस को और निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी फिलहाल तो एक ही वैन खड़ी है पीछे। ऐसा ना हो कि ज़्यादा देर रुकेंगे तो ज़्यादा देर ट्रैफिक ज़्यादा जमा हो जाएगा। तो ये देखो, हो गई अपनी बस स्टार्ट, हो चुकी बस स्टार्ट। देखो आवाज़ सुनूंगा इसकी, किस गज़ब लग रही है इसकी आवाज़। हमने नया साइलेंसर भी बैठा रहा इसके अंदर, थोड़ा आवाज़ थोड़े चेंज कर दी हमने, क्योंकि इससे काफ़ी साइलेंट इसका आवाज़ था, काफ़ी साइलेंट थी, कुछ भी आवाज़ नहीं कर रही थी, इसलिए हमने थोड़ा नया साइलेंसर फिट किया इसके अंदर। इसको थोड़ा आवाज़ तो भी आ रहा है इसके अंदर। जी हाँ, तो चलो निकलते फिर यहाँ से। अभी ज़्यादा तो रुकते नहीं है, ज़्यादा टाइम पास भी नहीं करते, क्योंकि वैन वाला भी काफ़ी देर से खड़ा था, उसको ज़्यादा रुकवाते नहीं है यहाँ पे। जल्दी से जल्दी मैच को शुरू करते अपने। चलो हम निकल चुके हैं यहाँ से। एक काम कर सकते गाइस, काफ़ी देर से ये वैन वाला अपने पीछे था, तो इनको थोड़ा साइड दे देते, इनको जाने को बोल देते अपने आगे, फिर इनके पीछे हम चलेंगे गाइस। इनको इसको अभी साइड दे देते वैन को। चलो आ जाओ भाई, चले जाओ आप, अब जा सकते, इतने रोड से निकल जा सकते भाई। इसका कुछ मूड तो लग नहीं रहा, फिर भी देखते हैं फोन देख के। चलो कोई नहीं, ये दिक्कत नहीं, इसको कुछ जाने का सोच नहीं रहा, इसको कुछ लग नहीं रहा है कि आगे जाएगा करें। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम ही आगे चलते, वो आएंगा पीछे आराम से, हम ही निकलते हैं फिलहाल। तो उसका कुछ इरादा लग नहीं रहा था, हमने साइड देने को साइड तो दिए, लेकिन वो निकला नहीं, तो अब हम क्या करें। कोई दिक्कत नहीं है, हम ही निकलते हैं अभी यहाँ से, वो आ जाएगा पीछे पीछे। चलो आपको कैबिन भी दिखा देता हूँ गाइस। तो ये है अपना कैबिन, ये देख सकते हो, ये अपना कैबिन है। देखो गजब, एक भी एरिया नहीं है जो हमने डेकोरेट नहीं किया होगा। देखो कितना अच्छा डिज़ाइन करके रखा है, और देखो आग लगने के वो जो अग्निशामक यंत्र है ना गाइस, वो भी लगाया हमने, अगर कुछ दिक्कत आती है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखो कितने सारे डॉल भी लगे हैं, काफ़ी डेकोरेट करके रखा है हमने, पूरा कैबिन पूरा डेकोरेट करके रखा है हमने। और सबसे अच्छी बात देखो सब गाइस, अभी तक हमने जितने भी ट्रैवल चलाए उसके अंदर अपने जो बैक कैमरा रहता ना, जो रिवर्स मारते समय कैमरा ऑन होता, वो नहीं था गाइस, लेकिन इसके अंदर है, देख सकते हो। आपको कैबिन के ऊपर देखो जहाँ पे मीटर है ना गाइस, वहाँ पे देख सकते हो, मैं एरो करके दिखा भी रहा हूँ आपको, वहाँ पे देखो बैक कैमरा है। मतलब आपको पीछे आप मिरर में देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं गाइस, क्योंकि सब कुछ ये कैमरे में दिख जाएगा, जहाँ पे हमने मॉनिटर के ऊपर दिख जाएगा पूरा का पूरा। मतलब पीछे अपने कोई ट्रैफिक आ रहा है, कोई बस आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो आपको मिरर में दिखने का काम नहीं है, मतलब यहीं पर दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखो कैमरा, जो ये जो सबसे अच्छी बात लगी मुझे, ये ट्रैवल की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी, क्योंकि काफ़ी सारे ट्रैवल हमने चलाए अभी तक, काफ़ी सारे गाड़ियाँ चलाई, काफ़ी सारे ट्रक भी चलाए, उसके अंदर बैक कैमरा नहीं था, पीछे बैक साइड में कैमरा लगाया नहीं था, होगा भी तो डिस्प्ले दिखा नहीं रहा, मॉनिटर को ऊपर दिखा नहीं रहा था, लेकिन इसके अंदर दिखा रहा, तो वो भी अच्छा बेनिफिट है अपने लिए, क्योंकि पीछे दिखने का काम ही नहीं, क्योंकि यहीं पर हम सब दिख जाता है पीछे अपने, कितने ट्रैफिक है या कौन सी गाड़ी आ रही है, कब ब्रेक मारना है, सब पता चल जाएगा यहीं पर, कोई दिक्कत नहीं है। रोड भी काफ़ी अच्छा था रहा था, थोड़ा सा अपने वो थोड़ी सी इससे पहले जो हमने वीडियो देखी नहीं होंगी वो तो देख लो, क्योंकि उसमें हमने क्या किया था, ओवर स्पीड कर ली थी गाइस, क्योंकि ऐसे ये रोड के ऊपर ओवर स्पीडिंग नहीं चलेंगे, क्योंकि ये रोड के ऊपर ओवर स्पीडिंग करेंगे तो एक्सीडेंट तो होने ही, क्योंकि ये देखो टर्निंग देखो कितनी खतरनाक खतरनाक टर्निंग, जहाँ से आगे का कुछ दिखने वाला ही नहीं। देखो हमने काटी अभी टर्निंग, देख सकते हो कितनी खतरनाक टर्निंग मोड है गाइस इस पर। अरे 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 देखो यही बात देखो जी, अभी ये ट्रक आया हमको दिखाई नहीं, अभी अपने को थोड़ा रिवर्स लेना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके लाइन में आ चुके हैं, शायद उसके लाइन में होंगे, क्योंकि पूरा देखो
जी हाँ, देखो उसके लाइन में हम तो हमको पीछे लेना पड़ेगा अभी, आराम धीरे धीरे से पीछे लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ब्रेक छोड़ दे तो पूरा नीचे चल जाएंगे बस। हो सकता है नीचे उतर के वो एकदम पेड़ों के अंदर चल जाएंगे, तो वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएंगे, तो उसको आराम आराम से अभी नीचे ले लेते। ओके बस इतना काफ़ी होगा उसको जाने के लिए। हाँ जी हाँ काफ़ी है, निकल जाएंगी। देखो वो सिर्फ वो जो सामने अपने सामने जो ट्रक है उसको जो सी ट्रैफिक जमा हुआ शायद, क्योंकि वो रुका है, वो पता नहीं किस चीज़ के लिए रुका है, वो शायद उसका ट्रक कुछ ख़राब हो चुका है शायद। चलो कोई दिक्कत नहीं, अपनी गाड़ी तो निकल जाएंगे यहाँ से। अरे रुक जाओ अभी उसको जान देना पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो चलो वो तो निकल जाएंगे आराम से, अब अपने अपन भी निकलते हैं यहाँ से। कोई इससे पहले कोई गाड़ी आ जाए, इससे पहले हम निकल लेते हैं यहाँ से, उससे पहले हम निकल जाते हैं, नहीं तो फिर अगर कोई गाड़ी आ जाएगी तो और रुकना पड़ेगा। अरे लग गया शायद डिवाइडर, रुको कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ जाएंगे बड़े आराम से चल जाएंगे यहाँ से। ये तो निकल चुकी है यहाँ से, आराम से निकल जाएंगे गैस। गाड़ी का आवाज़ सुनो यार, साइलेंसर का आवाज़ देखो कितना गजब लग रहा है, एकदम सॉफ्ट तरीके से, गजब तरीके से चल रही गाड़ी फिलहाल तो। इसी तरह के आगे जाके काफ़ी सारे टर्निंग मोड है, इसलिए ओवर स्पीडिंग करना अलाउ नहीं है इसको, पर उसको वार्निंग भी लिखी थी जब भी हम मैच के चालू स्टार्ट किए थे, सबसे पहले जब मैच स्टार्ट किया तब वार्निंग आई थी हमने, लेकिन वो वार्निंग को सीरियसली लिया नहीं था, करके वो एक बस का एक्सीडेंट करवा चुके हैं। तो वो वीडियो देखी नहीं होंगी तो प्लीज़ जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा गाइस, तो वहाँ से जाके देख लो कहाँ पे गलती हुई थी, प्लीज़ उसमें कमेंट सेक्शन में बताना। हमने काफ़ी ओवर स्पीडिंग की थी, टर्निंग मोड पर इतनी स्पीड रखी थी गाइज, 100 से 150 की स्पीड थी गाइज, मैंने भी नोटिस नहीं किया था स्पीड कितनी थी, लेकिन इतनी स्पीड में हमने ऐसी टर्निंग मोड इतनी मोड़ने की कोशिश की, ज़रा भी ब्रेक भी नहीं लगा गाइज, ब्रेक मारी हमने लेकिन लगा नहीं, तब तक ब्रेक मारो तब तक जब तक दिमाग में आया कि ब्रेक मारो तब तक तो गाड़ी चली गई थी, हमने पूरी नीचे पूरी पेड़ों के ऊपर फंस गई थी जाके, ख़त्म हो चुकी थी बहुत तब तक, तो दिक्कत नहीं अभी, इसलिए हमने वहाँ से वो बस को हमने पहुँचा दिया गैरेज को। तो अभी ये इस बस को सिंगम बस को चला रहे हैं, रॉकी भाई की बस चला रहे हैं फिलहाल, तो इससे बेटर तो अच्छी लग रही है, अच्छी चल रही है। तो इसका ग्राउंड प्लेस को कम दिख रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नीचे लग रही है जगह, इसका ग्राउंड फेस कुछ कम है शायद, ज़्यादा नीचे तक लगी है ये, क्योंकि हर बार टर्निंग मोड वो नीचे लग रही है, फट कर के आवाज़ आ रही है ना, वो नीचे लग रही है गाइस, इसकी ग्राउंड पे कुछ कम है, इसको भी नीचे लग रही है, उससे कुछ डैमेज तो होगा नहीं, क्योंकि नीचे का डैमेज मायने नहीं था, अपने को चाहिए ऊपर का, ऊपर अगर डैमेज होता है कुछ तो उसमें पॉइंट थोड़े काटे जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नीचे का कुछ पॉइंट कटते नहीं है, ऊपर के सिर्फ पॉइंट कट जाती है, नीचे के पॉइंट को कोई ये गिनती करती नहीं है। फिलहाल तो अपने पीछे कोई ट्रैफिक है ही नहीं है, कोई बस नहीं है, कोई भी एक भी गाड़ी अपने पीछे है नहीं है, पूरा खुला रोड है, तो चलो थोड़ी स्पीड को थोड़ा बढ़ाते हैं अपने, यहाँ पे थोड़ी स्पीड कम करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे टर्निंग मोड आया है। जी हाँ टर्निंग मोड है, तो यहाँ पे थोड़ी स्पीड कम करनी पड़ेगी, ज़्यादा भी स्पीड कम करेंगे तो चढ़ नहीं पाएंगे, ये बता देंगे कि परफेक्ट तरीके से पड़ गई हमारी बस। जिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक भी कर देना, और हो सके तो प्लीज़ शेयर भी कर दो गाइस। गेम का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके देख लेना आपने। देखो कितनी ज़बरदस्त खतरनाक टर्निंग है ऐसी, ऐसे इस टर्निंग पर अगर हम 100 की स्पीड से आएंगे तो क्या ही हालत ख़राब हो जाएगी। अभी तो हम चल रहे 20-30 के स्पीड में, कंट्रोल करके चल रहे, क्योंकि ज़्यादा स्पीड बढ़ाएंगे तो ऐसे रोड पर खतरनाक मोड़ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस, मुझे लगता है आगे एक्सीडेंट हो ही है, क्योंकि देखो रुकी है काफ़ी टर्निंग मोड पर, रुकी है ट्रक, एक्सीडेंट हो ही है गाइस यहाँ पे, आगे से कोई आ जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी, जल्दी से निकालने पड़ेंगे क्योंकि आगे से वन वे रोड है, अभी ट्रैफिक जाम है यहाँ पे, अपनी बस फंसना जाए इसके वजह से जल्दी से निकालना पड़ेगा। अरे गाइस अरे अभी पीछे लेना पड़ेगा क्योंकि आगे से ट्रक आ गया, तो अभी पीछे लेना पड़ेगा यहाँ से अपने को। अरे यार डिवाइडर पे चढ़ेंगे यार, और जी हाँ गाइस डिवाइडर पे चढ़ जाएंगे अभी तो। अरे गाइस बुरी तरह फंस गए यहाँ पे, तो रुक जा भाई थोड़ी देर, रुक आराम आराम से लेंगे भाई, बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं हम, तो अभी थोड़ा नीचे पीछे लेना पड़ेगा,
फुल काटना पड़ेगा, फुल एकदम फुल काटना पड़ेगा काफ़ी। अरे यार काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा गाइस अपने को, ट्रैफिक काफ़ी जमा हो चुका है यहाँ पे, तो ज़्यादा ट्रैफिक चढ़ गई है यार, फुटपाथ पे ऊपर ऊपर चढ़ गई है, डिवाइडर के ऊपर चढ़ चुकी है थोड़ी सी। कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल लेंगे, पीछे पीछे तो जा ही रहे हैं अपनी गाड़ी, तो धीरे धीरे से नियम ले लेते पीछे। ये अपनी जा रही है बस पीछे पीछे पीछे, और ले ले थोड़ा सा अपनी साइड में ले लेते, थोड़ी उनकी साइड खुली छोड़ देते उनके लिए। इतनी ओके इतनी जगह से निकल जाएंगे, जी हाँ निकल जाएंगे, तो अभी फटाफट निकल लेते हैं, सामने से अगर कोई गाड़ी आ जाएंगी तो दिक्कत आ जाएगी, इसलिए हम जल्दी से जल्दी निकल लेते हैं यहाँ से, सामने से कोई गाड़ी आने से पहले निकल जाते फटाफट। चलो जल्दी से निकल जाते यहाँ से, कोई आ तो मेरा। अरे अरे यार ये तो दूसरी बार हो गया, अरे भाई साहब अभी दो दो गाड़ी आ गई यार ये थोड़ा। अरे हमको जान दे भाई, रुक जा उधर, वो देखो गाई जो आपको दिख रहा होगा व्हाइट कार के पीछे देखो एक ट्रक है, उसका एक्सीडेंट हुआ है गाई उसके, इसके लिए सभी एक सभी रुके हैं, पता नहीं वो कहाँ में डिवाइडर में जाके भिड़ गया शायद वो, उसके लिए वो। चलो अभी कुछ नहीं कर सकते, अब पीछे लेना पड़ेगा, यहाँ से तो साइड दे नहीं सकती है, साइड मिलेंगी भी नहीं, कोई नहीं पीछे लेना पड़ेगा आप, और यार और पीछे जाओ जाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं हम पीछे ले लेते, ज़्यादा तो पीछे जाने का नहीं, ये दो तीन ट्रक के पीछे जाना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकाल लेते पीछे। लगा देते हम पार्किंग, अब अपनी साइड में लेना पड़ेगा थोड़ा सा, ये हमने ले लिया अपनी साइड में, आप चले जाओ इनको, जैसे ही जाएंगे वैसे हम बहुत फुल तेज़ी से निकलेंगे यहाँ से, हॉर्न बजा बजा के निकलेंगे, क्योंकि आगे वाले जितनी भी गाड़ी रुक जाने को ना, अब जल्दी फटाफट निकलते यहाँ पे, आगे से और गाड़ी आ जाएंगी तो और पीछे लेना पड़ेगा वैसे, कितनी बार हम इतने यही करते बैठेंगे पीछे लो आगे लो। इससे अच्छा जल्दी से जल्दी थोड़ा सा रुक ही लेते, आ रही है कोई, कोई नहीं आ रही है, चलो फटाफट निकल लेते यहाँ से, कोई आ तो नहीं रहा, कोई नहीं आ रहा फिलहाल तो, कोई दिख नहीं रहा, जैसे टर्निंग मोड पे जा रहे वैसे ही कोई ना कोई आ जा रहा है साथ, अभी अभी कुछ आ तो नहीं, अभी तो नहीं दिख रहा, अभी निकल जाएंगे, अभी तो निकल जाएंगे, इसकी भैंस की डंडी कई, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, देखो ये तीसरी बार हो गया, मैं तीसरी बार मैं यही काम करते बैठना, अभी आपने रिवर्स लेना और लाना, रिवर्स लेना और लाना, मैं गेम को क्विट कर रहा हूँ गाइस, मैं नहीं खेल रहा अभी, मैं वहाँ पे जाके रिवर्स जाके पार्किंग कर दे रहा हूँ बस, जब तक अब यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं होगा ट्रैफिक तब तक हम नहीं आ रहे यहाँ पे, वो जब तक ट्रैफिक यहाँ का अपने सामने का क्लियर नहीं होगा तब तक मैं ये गेम को क्विट कर रहा हूँ गाइस, मैं खेल नहीं रहा हूँ गेम को, अभी मैं जा रहा हूँ पीछे, अभी जा ले, अभी ये लास्ट मौका था, मैं अभी वही काम करते बैठो, अब वही काम रह गया, अभी रिवर्स लाओ यहीं पे, लाओ रिवर्स लाओ और लाओ और रिवर्स लो, वही काम रह गया आपके लिए, मुझे नहीं कर रहा खेलना है गेम, मैं जा रहा हूँ पीछे लगा देता हूँ बस को, जब तक आप क्लियर ना होगा तब तक हम गेम को नहीं खेलेंगे, जाओ वेट करेंगे वहीं पे गाइस, अभी जाते हैं हम, जितना भी टाइम लग जाएगा चलेगा, लेकिन हम वेट करेंगे वहीं पे, हम अभी नहीं आएंगे क्योंकि यही काम हो रहा है, ये तीसरी बार हो गया गाइस, पहली बार में तो चलो फर्स्ट टाइम था, सेकंड टाइम भी मान सकते हैं, तीसरी बार भी हुई, थर्ड टाइम भी हुई, तीसरी टाइम भी हुई, और आगे गाड़ी यहाँ से यहाँ पे जब खड़ी कर रहे हो तब कोई नहीं दिख रहा, पीछे पीछे कार थी, कार थी, कार ही गाइस, कार को लगा दिया हमने, कार को ठोक दी, कार मुझे लगता है कार को ठोक दिया हमने, अरे यार कार वो भी एम्बुलेंस थी यार, एम्बुलेंस को ठोक दी, कोई दिक्कत नहीं, एम्बुलेंस ज़्यादा डैमेज आया नहीं होगा, एम्बुलेंस को ज़्यादा डैमेज तो आया नहीं होगा, अभी अभी गाइस अभी नहीं जाने वाले, अभी ये गलती नहीं करेंगे, बंद कर देंगे यहीं पर गाड़ी, जितना मर्जी हो सके उतना हम वेट करेंगे यहाँ पे, देखते जब जब तक ट्रैफिक तो जल्दी 15-20 मिनट में क्लियर हो जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं, रुकते हैं गाइस जाए, क्योंकि जैसे हम जा रहे हैं आगे, ये देखो गाइस अभी हम निकलने वाले थे, सोच भी रहा था मैं कि निकल जाऊँ, लेकिन देखो आगे से गाड़ी आ रही थी और पीछे आना पड़ता था अपने के लिए, ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा ट्रैफिक देखो कितना सारा ट्रैफिक है, आपको दिख रहा होगा गाइस, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं एरो करके आपको एरो में दिखा रहा हूँ, देखो वो ट्रक है उसके, वो ट्रक की वजह से पूरा ट्रैफिक जमा हुआ यहाँ पे, एक छोटा सा ट्रक की वजह से इतना बड़ा ट्रैफिक जमा हो चुका है यहाँ पे, और तो ये तो कुछ नहीं, और लग जाएंगे अपने पीछे लाइन, और आगे से गाड़ी आ ही रही है, अभी तो अभी कोई नहीं आ रहा है, जैसे हम जाएंगे क्रॉस करने वो टर्निंग काटने जाएंगे वैसे कुछ ना कोई ना कोई गाड़ी आ जाएंगे और पीछे लाना पड़ेंगे, इससे अच्छा यहीं पर रुको अपने लिए, अच्छा है यहीं पर रुकते गाइस,
तक क्लियर हो जाएगा नहीं, जब तक क्लियर नहीं होता तब तक हम यहाँ पे जाएंगे नहीं, यहाँ से हटेंगे नहीं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये तो क्लियर हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय।